प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आदि भाई कुछ कीजिए। हाँ प्लीज। अरे भिड़े मास्टर, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। ओह माय गॉड, बाबूलाल, ये तुमने क्या कर दिया? अब रोने से क्या फायदा कोयल? देखा तेरी मजाक का नतीजा, ये सब तेरी गलती है, तेरी। हाँ ये सब मेरी गलती है। सारी गलती तुम्हारी है। मोहन भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? आप सो जाइए, आपने जहर पिया है। नहीं दया भाभी, वो जहर नहीं था, मैं मजाक कर रहा था। ये मजाक करने का टाइम है? ऐसा कोई मजाक करता है? डिब्बा डिब्बा, मजाक कर रहा है क्या भाई? मजाक है, मजाक है। तेरे को एहसास है कि तेरे इस मजाक से हम लोग कितने परेशान हो गए? ये कैसा मजाक है? सॉरी दोस्तों। सॉरी? मेरी वजह से आप सबको जो परेशानी हुई है, उसके लिए मैं दिल से सॉरी कहता हूँ। लेकिन मेरे लिए ये मजाक करना जरूरी था, ताकि मैं कोयल को सबक सिखा सकूं। लेकिन कोयल, मेरी भावनाओं के साथ इस तरह से खेलने से तुम्हें क्या मिला? क्या मिला कोयल, जवाब दो, क्या मिला? मजाक की कोई हद होती है कोयल, हद होती है। I'm sorry, Papadla. वाह मेरे दोस्त, वाह। सलाम करने को जी चाहता है तू। तुमने एक छोटी सी घटना में एक बहुत बड़ा सबक दे दिया हम सबको आज। हम छोटे मोटे मजाक करें जिंदगी की खुशियों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा मजाक जिस पे किसी की जान पे बना है या बाद में पछताना पड़े, वो मजाक किस काम का? प्यार में लोग दिल देते हैं, जान नहीं देते कोयल। और लड़कियों को खास तौर पे ये सोचना चाहिए कि अगर उन्हें किसी से प्यार नहीं करना तो किसी को गलतफहमी में तो नहीं डाले, वरना किसी की जान जा सकती है। सही बात है। और लड़के, उन्हें भी तो समझना चाहिए कि किसी के साथ अगर हंस बोल लिए, अगर किसी के साथ बात कर ली, तो किसी लड़की के हंसने बोलने को वो प्यार नहीं समझ लें। और कोयल, इस चीज से एक चीज सीख लो कि प्यार से किसी के साथ मजाक कर लो, लेकिन प्यार को मजाक मत बनाओ। जिंदगी में प्यार बहुत बड़ी चीज है। चलो भाई, अंत बोला तो सब बोला है। नहीं चाचा जी, अभी अंत बाकी है। अरे पोपटलाल भाई, अब क्या बाकी है? साइन। अरे भाई क्या साइन साइन कर रहे हो? कर देगा साइन बाद में, छोड़ना, रखना भाई अंदर। हाँ पोपटलाल, तुम क्या करो, तो क्या बाकी है? अब सिर्फ एक चीज बाकी है और वो है जबरदस्त सेलिब्रेशन। भाई पोपटलाल, लड़की का नाम भले ही क से ना हो, लेकिन क से केक तो खा सकते हैं ना।
क्यों? अरे टप्पू के पापा अपने शर्ट क्यों बदला? अरे वो शर्ट जरा इधर पेट के इधर से टाइट हो रहा है। एकदम हीरो लग रहे हो। अच्छा चल चल अबे। अरे सच्ची? अरे अरे रुकिए रुकिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। क्या क्या ये रुके तो सही। हाय तो या एकदम हीरो लग रहे हो। आज सुबह सुबह तुझे हो क्या गया है? लवेरिया। क्यों एकदम अचानक लवेरिया? ये बीमारी का ऐसा ही है, बोल के नहीं आती, बस आ जाती है। एक काम कीजिए ना, अब हीरो की तरह कोई डायलॉग बोल के बताइए ना। अरे एकदम तो मुझे ऐसा डायलॉग बोलने का बोला कि थोड़े मैं बोल सकता हूँ। रिक्वेस्ट। अरे अच्छा एक काम करती हूँ, मैं विलेन की तरह आपको ललकारती हूँ। हीरो हमारे इलाके में आने की तरह आपकी हिम्मत कैसे हुई? डर नहीं लगा? डर 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 जब से पैदा हुआ हूं डर क्या है मुझे पता ही नहीं, उल्टा डर खुद मुझे देख के डर जाता है। क्योंकि क्योंकि हम है, बाकी सब पानी कम है। ए भाई कौन है बे? बाबूजी आप क्या? ये वो टाटा कंपनी में भर्ती हो गए हैं? भवाई करनी है? नहीं नहीं बाबूजी। अरे नहीं तो फिर ये सब क्या? वो ये दया बाबूजी इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ओ तू बीच में मत बोल, मैं सब जानता हूँ, इसे बचाने के लिए तू ये बोल रही है। अरे नहीं बाबूजी सच बोल रही है, ये सब इसी ने किया है। ये गांठ मारी इधर बाएं ऐसे ऊपर चढ़ा, चश्मा भी इसी ने पहना है। क्या भाई भाई? ओ, बोल बोल मूठ मूठ बहू का नाम ले रहा है क्या? मैं तुझे जानता नहीं? अरे बहू तुझे पता नहीं है, बचपन में एक बार ये डाकू की पिक्चर देख के आया था तो एक हफ्ते तक घर में डाकू बन के घूम रहा था। अच्छा कौन सी फिल्म बापू जी? कादू मकरानी। बापू जी तभी मैं बच्चा था, बच्चा तो ऐसा सब करते ही है ना। हाँ तो अब तो बड़ा हो गया है ना, तो अब क्यों डाकू बन के घूम रहा है? डाकू? मैं डाकू लग रहा हूँ? नहीं तो डाकू तो क्या लग रहा है? बोल बोल तुझे क्या लग रहा है? तू क्या लग रहा है?
हीरो ये हीरो वाली लॉटरी की टिकट बेचने वाला लग रहा है। उतर चश्मा, बंद कर बटन बंद कर। भाई सर जी सर कॉलर नीचे कर। मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय। क्यों इतनी जल्दी? वो दादाजी आज बीडा अंकल के घर पे मीटिंग है। कैसी मीटिंग? वो पापा जन्माष्टमी आ रही ना, इसलिए मीटिंग है। अच्छा, बाय पापा, बाय मम्मी, बाय दादाजी, बाय। वरना कड़े अक्कल अच्छी। हाँ जगदीश, बोल बोल। क्या बात कर रहे है, सातम आठम आ भी गई? अरे पक्का पक्का, हाँ हाँ बना देना प्रोग्राम पत्ता गलने का। हाँ तो काम कर, तू जगह बगह ढूंढ के सब पक्का कर दे, फिर मुझे बोल तो मैं अपने गोकुल धाम को दोस्तों को लेकर पहुंच जाता हूँ। ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। टप्पू पापा सॉरी। कोई बात, चलो मैं जाता हूँ दुकान। अच्छे से डाल बेटा। अरे हाँ सोनू, तूने कल टिफिन क्यों नहीं खाया? हाँ इसमें भिंडी की सब्जी थी, और तुमको पता है ना कि मुझे भिंडी की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, सब सब्जियाँ खानी चाहिए। अरे हाड़ू हाड़ू टपू, सुनो भी नीचे आ ही रही थी। हाँ नहीं नहीं भिड़ंकर, हमें आपसे कुछ काम था। ओहो क्या बात है, उससे कुछ काम है? बोलो बोलो क्या काम है टप्पू माश है। भिड़ंकर इस वक्त मैं टप्पू नहीं हूँ। तो कौन हो? टप्पू सेना का एकमेव चेयरमैन टिपेंद्र जेठालाल गड़ाऊ। ऐकला का एकमेव चेयरमैन? हाँ तो बोलिए एकमेव चेयरमैन साहब क्या काम है? विडंगल आप तो जानते ही होंगे कि अभी दो दिन के बाद जन्माष्टमी का फेस्टिवल आ रहा है। नहीं वो तो सभी जानते हैं, तो इस बार क्या प्लान सोचा है? सोचा तो कुछ नहीं है, आपने क्या सोचा है? मेरे हिसाब से मिरंगल आप सोच रहे हो। हाँ बेटा मत सोचिए, नोटिस बोर्ड पर जन्माष्टमी के मीटिंग के बारे में लिख दीजिए बस। हाँ ठीक है गोड़िया लिख दूंगा, और कुछ? और हाँ नोटिस के नीचे संचालक टप्पू सेना ये लिखना मत भूलना। हाँ हाँ संचालक टप्पू सेना, नहीं भूलूंगा भाई, नीचे लिखूंगा मैं संचालक टप्पू सेना। ओके और कुछ? मंडल आपले आभारी आहे। हबो अरे आहिस्ता आहिस्ता गिर जाओगे। ए अब्दुल, हाँ आज शाम 6:30 बजे तो क्लब हाउस में जाना, तेरे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? अरे वो तुझे शाम को पता चल जाएगा, चल 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 चल। ए गोली, ए नौकर में लिख लेना। आइए आइए सब्जी लीजिए सब्जी, बबीता भाभी जल्दी आइए सब्जी लीजिए सब्जी, कोमल भाभी दया भाभी अंजलि भाभी आइए आइए सब्जी लीजिए सब्जी, ताजी ताजी सब्जी आली बाटते ही। अरे वाह आज आप जा रहे हो सब्जी लेने? माधवी मैं सब्जी लेने नहीं जा रहा हूँ, नोटिस लिखने जा रहा हूँ जन्माष्टमी की। अच्छा अच्छा रुको मैं भी आती हूँ। मादी नोटिस लिखने के लिए दो दो लोग? अरे सब्जी लेने। हाँ हाँ तो चलो चलो थाम जरा। ओ हेलो बबीता, कैसे हो बबीता जी? क्या बात है अनीता, तुम आजकल सब्जी के साथ साथ फ्रूट्स भी लेकर आ रही हो? वो क्या है ना कोमल भाभी, वो क्या है कोमल भाभी कि श्रावण महीना चल रहा है तो सब लोग उपवास करते हैं, इसलिए फ्रूट की खपत ज्यादा रहती है। एकदम ठीक कहा दया भाभी ने। ओहो भिड़ो भाई बहन साथ साथ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या बात है आज आप दोनों साथ साथ सब्जी लेने। भिड़े भाई आप मेरे रोशन को भी समझाओ नी बाबा कि वो घर के कामों में मेरी मदद करे। नहीं नहीं आपको गलत फहमी हुई है, मैं सब्जी लेने नहीं आया हूँ, मैं तो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिखने जा रहा था, वो तो माधवी ने बोला कि साथ चलते हैं, इसलिए मैं साथ में आया। चलो गुड डे। सेम टू यू।
विशेष सूचना, गोकुलधाम सोसाइटी के माननीय सदस्य, जन्माष्टमी त्योहार के उपलक्ष्य में आज रात को ठीक 10 बजे क्लब हाउस में मीटिंग रखी गई है, तो आप सबको मीटिंग में उपस्थित रहने की विनती है। जन्माष्टमी के कार्यक्रम का संचालन टप्पू सेना करेगी। संचालक टप्पू सेना। हेलो बाबा। टप्पू सेना। एक बात तो है हाँ, हमारी टप्पू सेना की वजह से हम सारे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हाँ, खरे एकदम। अब्दुल कहाँ है? भाईजान नमाज पढ़ने के लिए गए। बोलना मुन्ना भाई आए थे। जी ठीक है, बोल दूंगा मैं। अरे वाह, लेडीज मेंबर तो इधर ही जाए। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी की किस्मत और मोबाइल फोन मुझे बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन पे कब कौन सा कॉल आ जाए पता नहीं चलता। ठीक वैसे ही गोकुलधाम सोसाइटी में कब नई मुसीबत आके खड़ी हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन इस वक्त मुसीबत आई है गोकुलधाम सोसाइटी में बाइक पे सवार होके। बाइक पे सवार ये तीन लोग जो इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी की उन महिलाओं के सामने है जो आमतौर पर बड़ी शांत रहती है, सुहाने मौसम में दिखने वाले बादलों की तरह, लेकिन शायद इन बाइक सवार को पता नहीं है कि ये बिजली कब कड़क जाए कोई नहीं जानता। उन्होंने शायद मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का फैसला कर लिया है। उन्हें नहीं मालूम कि गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हो सकता है, लेकिन इस वक्त मैं इतना जरूर जानता हूं कि इनके इरादे शायद ठीक नहीं है। क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन हंगामा तय है, और जब यहां होंगे हंगामे तो आपके घरों में ठहाके भी तय हैं। वैसे आज का दिन बड़ा शुभ है, कृष्ण जन्म के दिन यानी जन्माष्टमी के दिन हम आपको देना चाहते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस देश में, आपके घरों में और हमारे गोकुलधाम में कोई भी दुख न रहे, सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। गोकुलधाम की रक्षा कृष्ण भगवान करें, इस देश की रक्षा वे करें। लेकिन इस वक्त ये बाइक सवार क्या करना चाहते हैं गोकुलधाम में मैं नहीं जानता, आप भी जानने को बेताब हैं कि होगा क्या। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा ठहाकों के साथ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.